स्वागत है आपका एनटीपीसी रेलवे और ग्रुप डी मैथ क्लासेस में। देखिए इसका फर्स्ट प्रश्न, ये 1.4, ये 14.998 का क्यूब है। बोलता है इसका अनुमानित मान ज्ञात करिए। अनुमानित का मतलब लगभग, एप्रोक्स में, ठीक है। ये देखिए 14.998 का क्यूब, तो ये 15 के बराबर है। अब 15 का क्यूब कितना होता है ये देखना है। देखिए 15 का क्यूब हम लोग को पता है आसानी से, 33 75 होता है, 33 75, ठीक है। और जब इसका क्यूब करेंगे तो इससे तो कम ही रहेगा। तो देखिए 33 75 और इससे कुछ अधिक, तो बीच में क्या लेना चाहिए, 33 74। ऑप्शन से देखना पड़ेगा, 33 78 है ये तो नहीं हो पाएगा। 33 क्या हो जाएगा, 33 74 आ जाएगा, क्योंकि 33 74 इसके बीच में आएगा। क्यों? क्योंकि 15 का क्यूब कितना होता है, 33 75 होता है, और 14.998 इसके बीच में क्या आ जाएगा, 33 74 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि एक्स माइनस सेवन का स्क्वायर प्लस वाई प्लस टेन का स्क्वायर प्लस जेड माइनस सिक्स का स्क्वायर बराबर जीरो। देखिए बराबर जीरो यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये और ये तीनों तीनों जो यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है, ये तीनों जो टर्म है, तीनों टर्म अगर जीरो है तभी ये जीरो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो तीनों टर्म को क्या करना पड़ेगा, क्या ज्यूम करना पड़ेगा, जीरो। तो यहाँ पर ले लेंगे एक्स माइनस सेवन का स्क्वायर बराबर जीरो और वाई प्लस टेन का स्क्वायर बराबर जीरो और जेड माइनस सिक्स का स्क्वायर बराबर जीरो, तभी यह क्या होगा, आर एच एस का जीरो होगा। यहाँ से एक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सेवन। यहाँ से वाई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस टेन। और यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जेड बराबर सिक्स, क्योंकि स्क्वायर इधर जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हम लोग को पूछ रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स का मान कितना आ गया, सेवन, वाई कितना है, माइनस टेन, और जेड है सिक्स। इसको सॉल्व करेंगे 13 10 3 आएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, बोलता है आदि प्रश्न 3 में एन प्लस एन बाय टू प्लस एन बाय फोर प्लस एन बाय एट बराबर 45 है, तो एन का कौन सा मान समीकरण को संतुष्ट करेगा। मतलब यहाँ पर कौन सा मान रख देंगे एन का जो बराबर 45 आ जाए, ठीक है। तो एन का वैल्यू मांग रहा है, इसका मतलब तो क्या करेंगे, देखिए एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम देखिए 2 4 8 का एलसीएम 8 आ जाएगा। 8 बार में जाएगा 8n, और ये 2 6 8 तो 4n, 4 2 8 तो ये 2n, 8 1 8 तो ये n, बराबर कितना हो जाएगा, 45। जोड़ देंगे इसको, 2 और 1 3 और 4 7 और 8, 15n/8 बराबर 45। ये 15 तिया क्या हो जाएगा, 45। अब यहाँ से n/8 बराबर ये 3, देयर फोर एन बराबर कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ये 24 हो गया। अगर यहाँ पर हम लोग 24 रख देंगे तो ये 45 आ जाएगा, यही बोल रहा है समीकरण को संतुष्ट करेगा। अब रख के देखिएगा आपका कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। एक बार देखिए, दिखा देते हैं, 24 यहाँ 24 बैठाएंगे, 24 बटा 2 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और फिर यहाँ बैठाएंगे एन का मान, 24 तक 6 आ जाएगा, 6 चक 24। फिर यहाँ बैठाएंगे एन का मान, 24 बैठेंगे 8 3 24 आ गया। देखिए इसको जोड़ते हैं, 6 3 9 12 और 9 यहाँ पर 21 और 24, ये देखिए 45 आ गया। मतलब एन का 24 जो मान है वो समीकरण को संतुष्ट करेगा। आंसर इज द बे, ठीक है। अगला प्रश्न है, बोला दो संख्या में से छोटी संख्या का 65% बड़ी संख्या के 45% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 25 74 है तो बड़ी संख्या का मान क्या है। देखिए दो संख्या है, इसमें छोटी संख्या का 65% और बड़ी संख्या का 45% के बराबर है, और संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 25 74। मान लेते हैं दोनों संख्या का योग कितना है, 25 74।
74 है। अब देखिए यहाँ से, मान लेते हैं कि एक्स संख्या बड़ी है और वाई क्या है, छोटी है। तो बोलता है छोटी संख्या का 65%, किसका, छोटी संख्या का। तो ये हो जाएगा वाई का 65% बड़ी संख्या के 45% के बराबर है। बड़ी संख्या क्या है, एक्स, एक्स का 45% के बराबर है। ये चला गया, ये इधर से आ गया, ओ आई बटे एक्स बराबर 45/65। इसको काट देंगे, 5 9 45, 5 13 65। अब ये एक्स को उधर भेज देंगे तो वाई बराबर हो जाएगा 9x/13। अब इसका मान कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे वाई का मान, ये एक्स हो गया, और वाई का मान रख देंगे 9x/13 बराबर ये 25/74। एलसीएम लेंगे 13, तो 13x और 9x ये हो जाएगा 22/13 बराबर 25/74। तो यहाँ से एक्स निकल के आ जाएगा 25/74 गुना 13/22, ये से कट जाना चाहिए। देखिए 22 एकम 1 बचा यहाँ पर 3, फिर हो जाएगा 22 एकम 1 बचा 15, 22 सती 54 से 117 को गुना करना पड़ेगा 13 से, 7 21, 3 और 2 5 और ये 3, फिर यहाँ पर हो जाएगा 117। इसको ऐड कर देंगे, 1 आ जाएगा, 7 5 12 2, 3 4 1 5, बाकी 1, 1521। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए बोल रहा था दो संख्या में से छोटी संख्या का 65%, छोटी संख्या कौन लिए थे, वाई, वाई का 65% बराबर बड़ी संख्या के 45%। बड़ी संख्या क्या था, तो एक्स था, एक्स का 45%। यहाँ से वाई निकाल दिए, एक्स प्लस वाई दोनों का योग कितना है, 25/74 है। यहाँ से हम लोग एक्स का मान निकाल लिए। ठीक है, यदि कहीं आपको प्रॉब्लम होता होगा तो कमेंट सेक्शन में जा करके प्रॉब्लम 4 दे करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। बोल रहा है 17 रुपये पर केजी मूल्य वाली गेहूं को 12 रुपये पर केजी मूल्य वाले गेहूं के साथ मिला दिया जाता है। ये देखिए 17 रुपये है गेहूं, ये 12 रुपये, दोनों को क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 13.5 रुपये किलो मूल्य वाला एक मिश्रण प्राप्त हो जाए। ठीक है, मान लेते हैं कि 17 रुपये वाला कुछ गेहूं है और कुछ 12 रुपये वाला है, दोनों को मिला देंगे और फिर 13.5 रुपये बेचेंगे, तो नया मिश्रण का अनुपात क्या होगा हम लोग का। देखिए ये 17 है, ये 12 रुपये है, ये 13.5 है, दोनों को मिला दे रहे हैं। एलिगेशन से इसको करेंगे, इसमें इसको घटाइए तो 3.5 बचेगा, और इधर घटाएंगे तो यहाँ पर 1.5 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर ओवरऑल क्या हो जाएगा, हम लोग का जो अनुपात निकल के आ गया, अभीष्ट अनुपात जो आ गया, ये आ गया 1.5:3.5। ठीक है, अब इसको देखिए छोटा करके लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसको 3 से काट सकते हैं, 3 5 15 अनुपात 5 से काटेगा, 5 3 15, 5 7 35, 3:7 हो जाएगा इसका। नया मिश्रण जो बनेगा वो कितना का बनेगा, 3:7 का बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, sin 45 - √3 का मान क्या है। ठीक है, देखिए sin 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है -√3। इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो ऑप्शन मिलेगा, मान लेते हैं डिवाइड में 1, ये √2 आ गया, √2 से √2 गया 1, माइनस ये √2 बार में जाएगा √3 से गुना हो जाएगा, √2 इंटू √3 हो जाएगा।
इसको लिखते हैं वन माइनस, ये गुना हो जाएगा रूट सिक्स बाय रूट टू। देखिए ऐसा ऑप्शन कहीं है क्या, वन माइनस रूट सिक्स है बाय रूट टू, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मिल गया इसका राइट आंसर, वन माइनस रूट सिक्स बाय रूट टू, वन माइनस रूट सिक्स बाय रूट टू इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट बोल रहा है वन प्लस कॉस ए इंटू कॉस एक ए माइनस कॉट ए का सरलीकृत रूप क्या है, मतलब इससे भी छोटा मान इसका क्या है। हाँ तो वन प्लस छोटा मान मतलब इसको सॉल्व करके और कितना कम कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ये वन प्लस कॉस ए, कॉस एक किसका उल्टा होता है तो साइन का, और कॉट का होता है कॉस बटे साइन। यहाँ से हो गया वन प्लस ए कॉस ए, ये हो गया साइन ए, साइन ए से साइन ए चला गया, वन माइनस ये साइन ए चला गया, यहाँ बचा कॉस ए। अब देखिए वन प्लस कॉस ए वन माइनस कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा बट्टा साइन ए हो जाएगा। अब वन माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए, बचेगा क्या साइन ए। फार्मूला कहाँ से लिखें, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर वन होता है, कॉस स्क्वायर को इधर कर देंगे बचेगा क्या साइन स्क्वायर, वही यहाँ पर लिखें। अब देखिए साइन ए से ये कट जाएगा, बचेगा कितना साइन ए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा साइन ए, कौन है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास को लेकर के, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहिए बैक क्लास से।